अगर आप लोग IRCTC के शेयर्स की प्राइस को देखेंगे तो IRCTC के शेयर्स की प्राइस काफी तेजी से ग्रो करते जा रही हैं और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इस कंपनी के शेयर ट्रेंडिंग में आ चुके हैं। अगर आप IRCTC के शेयर्स की प्राइस की परफॉर्मेंस को एक हफ्ते में देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि विद इन अ वीक इस कंपनी के शेयर की प्राइस 6.73% ग्रो कर चुकी है। एक महीने में इस कंपनी के शेयर की प्राइस में 2.57% का रिटर्न दिखाई दिया है, लेकिन एक साल में इस कंपनी के शेयर 1.61% से गिर चुके हैं। अगर आप इस कंपनी के शेयर की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो पिछले 5 सालों में इस कंपनी के शेयर्स ने 394% के आसपास के रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन IRCTC के शेयर को लेकर मार्केट में बहुत सारे लोगों का डाउट है कि IRCTC के शेयर की प्राइस में ग्रोथ पहले जैसी होगी। लेकिन अगर आप लोग IRCTC के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो क्या आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्या फ्यूचर में भी आपको इतने ज्यादा रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे, हर एक चीज के बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आप लोग IRCTC के फंडामेंटल्स को देखेंगे तो IRCTC के फंडामेंटल्स में इनकम स्टेटमेंट में आपको पता चलेगा कि इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 2020 से लेकर आज तक काफी तेजी से ग्रो करते जा रहा है। और अगर आप लोग 2020 के पहले के फिगर को भी देखेंगे तो यहाँ पर फिगर वही निकल कर आते हैं, 2900 करोड़ के आसपास के कंपनी को रेवेन्यूज होते हैं। और अगर आप लोग कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तब यहाँ पर आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अमाउंट भी पॉजिटिव में दिखाई देगा। और वहीं पर अगर आप लोग इस कंपनी के अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे तो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर का अमाउंट भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। अगर आप कंपनी के डिविडेंड पेआउट रेशियो को देखेंगे तो कंपनी का डिविडेंड पेआउट रेशियो भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। और अगर आप लोग इस कंपनी के बैलेंस शीट को देखेंगे तो इस कंपनी के बैलेंस शीट में असेट्स की वैल्यूएशन इंक्रीज होते जा रही है। और वहीं पर अगर आप लोग लाइबिलिटीज को देखेंगे तो पिछले 2-3 सालों से लाइबिलिटीज की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन इतने ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रही है। अगर आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी देखेंगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से भी आपको यही पता चलेगा कि कंपनी का जो बिजनेस है वो काफी तेजी से ग्रो करते जा रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कुछ चीजें पॉजिटिव में है तो कुछ चीजें नेगेटिव में भी है। इसके अलावा अगर आप इस कंपनी के शेयर की वैल्यूएशन को देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर की वैल्यूएशन करंट लेवल पर उतनी ज्यादा दिखाई नहीं देती है। वहीं पर अगर आप लोग वोलेटिलिटी को भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इस कंपनी के शेयर की वोलेटिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। मतलब करंटली इस कंपनी के शेयर का जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन कंपनी के शेयर वोलेटाइल नहीं है। अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म में अट्रैक्टिव रिटर्न दिखाई देंगे। और मार्केट के बहुत सारे ऐसे रिसर्च एनालिस्ट है जिसका मानना है कि अगर इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया जाए तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाए जा सकते हैं। डेफिनेटली आप लोग इन्वेस्टमेंट करके अट्रैक्टिव रिटर्न्स तो कमा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको आपकी खुद की रिसर्च करनी है, उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करना है। और जब भी आप किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड आपको डिसाइड करना है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप लोग कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और यहाँ से कितने ज्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स तो बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने से कितने ज्यादा पैसे हम लोगों को कमाने हैं। तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए Top 3 ब्रोकर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।